लॉकडाउन के अंतर्गत पुलिस जो कि दिन भर लोगों की सेवा में जुटी हुई है, उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी सुजीत सर द्वारा जो कि एक पोइम लिखी गई थी वही आज हम सुनेंगे भी। और मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी साहब। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार स्वप्निल जी, आप ठीक हैं? बढ़िया सर। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या जो आपने पोइम लिखी है काफ़ी वायरल फेसबुक में हो रही है, काफ़ी उस प्रमोटिंग जो है आपकी जो वीडियो है वो प्रमोट हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस क्या संदेश देना चाहेंगे उस पोइम के तहत? सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं आभारी हूँ आप लोगों ने उन चंद पंक्तियों को आपने पसंद किया। बेसिकली स्वप्निल जी, मेरा जो ये मानना था कि ग्राउंड पे जो लोग भी काम कर रहे हैं जी, पुलिस उसमें एक पार्ट है, आपका सफाई कर्मी, मेडिक जो हॉस्पिटल के जो मेडिक्स हैं और उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर भाई, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के और भी कई सारे ऑफिसर्स जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन सबको जब मैं अपने उनके बारे में सोचता हूँ तो एक इमोशंस जगता है। जैसे कि हर एक इंसान आम आदमी की तरह सबके दिल में एक इमोशन जगता है कि भाई अपनी फैमिली से बाहर और इस ऐसे क्राइसिस में भी वो सड़कों पे खड़ा है, तो उसके सम्मान में कुछ शब्द खुद ब खुद दिमाग में आते हैं। मैंने जस्ट उनको पंक्तिबद्ध किया जी, मैंने उनको पंक्तियों में बांधा, बाकी खुद ब खुद आपके सामने है। आप लोगों के मैं दो सब मिनट लूँगा। एक तो मैं अपने पुलिस भाई को मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया, और नमन है आपको, आपने हमारी सरकार के गाइडलाइन और ऑफिसर्स के कहने के आधार पे आपने जिस तरीके से काम किया है वो, उसके लिए मैं चंद लाइन अपने पुलिस वालों को बताना चाहूँगा। ये है, ये मैंने लिखा था, मैं खाकी हूँ और खाकी क्या कर सकता है और खाकी क्या है इसके बारे में जानने के लिए, वतन का एक सिपाही हूँ, खिदमत वतन की करता हूँ, वतन का एक सिपाही हूँ, खिदमत वतन की करता हूँ, जिंदा तो जिंदा है मैं हिफाजत कफन की करता हूँ, हर मजलूम के अश्क में आज भी कहीं बाकी हूँ, इस मिट्टी का रंग हो देखो मैं तुम्हारा खाकी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खाकी हम लोग पहनते हैं वो मिट्टी का कलर है, आप एक किसी मिट्टी से मिलाएंगे तो ये खाकी उस वही कलर है। इट मीन्स कि मिट्टी को हम लोग अपने शरीर पे चढ़ाएं और मिट्टी को ना भूलें, अपने ग्राउंड को ना छोड़ें। पुलिस प्रशासन द्वारा की बात, पुलिस की बात करें या तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, बार बार मैसेज द्वारा या तो टेलीविजन द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि घर में रहिए, मास्क पहनकर निकलिए, पर कहीं ना कहीं लोग जो कि आदेशों का पालन नहीं कर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, उसकी धज्जियां कहीं उड़ाई जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उन पर जो कि एक्शन लिया जाएगा? ये पिछले दो दिनों से उधमपुर में भी मीटिंग चल रही थी, हमारे रिस्पेक्टेबल चीफ सेक्रेटरी साहब एंड ऑनरेबल हमारे एडवाइज़र भी आए और उन्होंने ये सारी बातें बताई। तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक हम लोगों ने 40 से ज़्यादा एफआईआर दिए हैं और 60 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, 50 के करीब में कोई गाड़ियाँ अरेस्ट की गई वायलेशन के लिए। लेकिन थोड़ा सा ह्यूमेन फेस है, कभी कभी कोई आदमी जब रोड पर आ गया तो वो वायलेटर नहीं है, हो सकता है भूखा हो, उसके घर में किसी की दवा ख़त्म हो गई हो या फिर उसको ज़रूरत के सामान भी उसको लेने हो, तो ऐसे लोगों के प्रति हमें सिंपैथी भी दिखाना है। देखिए हमारी जिम्मेदारी बड़ी दोहरी किस्म की है, हर आदमी जो सड़क पे है वो वायलेटर नहीं है, वो मजबूर भी है जी। तो किसी की मजबूरी और वायलेशन के दायरे को, बीच की जो दीवार है, हमें समझना है जी। और पुलिस से आजकल हम लोग यही कर रहे हैं कि पहले उस दायरे को समझें, अगर वाकई जान बूझ कर उसने वायलेट किया बिना किसी जेन्युइन रीजन, हम लोग ज़रूर उस पर एक्शन करेंगे। मैसेज है उनके लिए जो अगर खेल समझ रहे हैं कि ये पुलिस का खेल हो रहा है और हम लोग घर में छिपे हुए हैं, तो उनके लिए है कि अगर आप खेल खेल में बाहर आ रहे हैं और हमारा पेशेंस देखने के लिए बाहर आ रहे हैं तो आप अपने आप को ट्रबल में डाल रहे हैं। और दुनिया भर की हमारे पास कानून के जो आर्टिकल्स हैं वो आपके लिए तैयार बैठे हुए हैं, हमारे आयुष तैयार बैठे हुए हैं आप एक से एक धारा लगाने के लिए, तो आप सावधान रहें और हमें पालन करें। ज़रूरत है तो कॉपरेट करेंगे, लेकिन खेल करेंगे तो अरेस्ट करेंगे।